Hello everyone, welcome to Roshni Ma'am's class. Today I am going to tell you how to teach your child to write numbers from 1 to 100 with the concept of ones and tens in the notebook. आज आप इस वीडियो में क्लियरली देखना कि वंस और टेंस के कॉन्सेप्ट से कैसे अपने बच्चे को वन से लेके हंड्रेड तक आपको लिखना सिखाना है. तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जिसमें ये कॉन्सेप्ट आपको मैं दिखाऊंगी. तो चलिए फिर अब हम देखते हैं कि बच्चों को कैसे 1 to 100 नोटबुक में साफ साफ अच्छे से विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वंस एंड टेंस हम उनको लिखना सिखाएंगे. नाउ फर्स्ट ऊपर में नंबर्स है 1 to 100 और मैंने इस तरह से ये शीट प्रिपेयर किया. ये शीट टीचर को या फिर घर पे जब पेरेंट्स बता रहे हैं तो ये टेंस और वंस लिख के बच्चों को तब प्रिपेयर करके शीट देनी होगी. वो ओ वंस एंड टी फॉर टेंस, देन क्रॉस, देन अगेन टी ओ टेंस वंस, देन क्रॉस, फिर टी ओ क्रॉस टी ओ, ऐसे करके हम ऊपर में इसका टेंस और वंस के प्लेसेस डिफाइन कर देंगे. उसके बाद अब हम वन से स्टार्ट करेंगे लिखना. 1, 2, 3, 4 लाइक 9 तक जब हम जाएंगे दे आर सिंगल डिजिट नंबर्स. ओके, तो वन से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 1. अब देखिए आपको बच्चे को ये भी बताना है कि ये जो है ऊपर टच नहीं करना है. दिस इज़ द बेस लाइन, सो यू हैव टू टच इट हियर बट डोंट टच हियर. ओके, नाउ फिर 2, क्योंकि ये जब अगर ऊपर बच्चा टच कर देगा तो ये थोड़ा गंदा दिखता है इससे. नाउ 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9. देखिए ये 1 से लेके 9 तक दीज आर सिंगल डिजिट्स नंबर. सो अब 9 के बाद हमारा हो जाता है डबल डिजिट नंबर्स. नाउ दिस इज 10. तो 10 में अब हम क्या करेंगे, 0 आएगा वंस के नीचे और टेंस के नीचे आएगा 1, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग डबल डिजिट नंबर फ्रॉम हियर. अब 10 के बाद 11 आना है, तो अब यहाँ से हमारा 11, 12, वंस के प्लेस पे वंस डिजिट नंबर और टेंस के प्लेस पे टेंस डिजिट नंबर. नाउ 13, 14, 15, 16. नाउ एक और चीज़ है, कुछ बच्चे क्या होता है इजिली 11, 12, 13, 14, 15, 16 डायरेक्टली बोल के लिख पाते हैं. लेकिन जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेज में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है जिनकी वॉइस क्लैरिटी नहीं होती है, तो वो ऐसे भी बोलते हैं 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13. ऐसे क्या होता है बच्चों को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने में, मतलब कि फिर रिकॉल करना है उनको, याद करने में ईजी रहता है ये चीज़. देन 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, देन 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20. तो अब आप बच्चे पे डिपेंड करता है, अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि उसे ये 1, 1, 11, 1, 2, 12 ऐसे जल्दी रिकॉल कर रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं. अगर बच्चा डायरेक्टली 11, 12, 13, 14 डायरेक्टली ईजिली कर ले रहा है तो आप ये भी सिखा सकते हैं. नाउ 2, 0, 20 के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 21. ये डबल डिजिट नंबर है तो दोनों ही टेंस और वंस दोनों प्लेस पे आएगा. 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 25, 2, 6, 27, 28, 28, 2, 9, 29, then टेंस कौन सा आएगा 3, 0, 30. ये देखिए ये सारे डबल डिजिट नंबर है और यहाँ मैंने बेस लाइन को टच किया है, ऊपर से टच नहीं किया है. इससे क्या होता है नीट एंड क्लीन वर्क होती है. नाउ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
अब 3939 के बाद कौन सा टेंस आएगा, तो 3 के बाद आता है 4, देन 4040। अगेन अब इस शीट पे जगह नहीं है तो हम ऐसे ही शीट पे दूसरे पेज पे प्रिपेयर करेंगे, ऐसे ही टेंस वंस लिख के बच्चे को देंगे। ये जो क्रॉस वाली लाइन है ये हमें खाली छोड़ना है, यहाँ मैंने टेंस वंस के बाद क्रॉस, टेंस वंस के बाद क्रॉस, तो बच्चे को आपको बताना है कि ये क्रॉस वाली लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है। इससे क्या होगा कि सेपरेट सेपरेट लाइन्स आएंगी और क्लियर बच्चे को भी समझ आएगा और ये साफ बिल्कुल दिखेगा। नाउ हम आते हैं दूसरी शीट पे। फिर यहाँ मैंने टेंस वंस की दूसरी शीट बना ली। अब हम यहाँ इस शीट पे 4040 तक लिखे थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 4141, देन 42, देन 43, देन 44, 45, 46, 47, 48, 49। अब 4949 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद आता है 5, तो 5 और 0, 5050 वाला टेंस यहाँ पे आएगा। नाउ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। देन अगेन 5959 के बाद कौन सा टेंस आएगा, बच्चे यही पे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, ऊपर से तो लिख लेते हैं, उनको बगल में भी लाइन दिख रही होती है दूसरे कॉलम में तो वहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं बच्चे प्रैक्टिस के टाइम, बट होता क्या है कि 59 के बाद यहाँ भूल जाते हैं कि अब टेंस कौन सा आएगा। तो हमें ये बताना है बच्चों को कि 5 के बाद जो नंबर आता है लाइक 6, तो 6 और फिर उसके बगल में 0 लगा देंगे, तो 6060। अगेन वी विल लीव दिस लाइन, क्रॉस वाली लाइन, देन अगेन स्टार्ट 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, देन अगेन 69 के बाद 6 के बाद 7 एंड देन 0, 70। स्टार्ट विथ 71, 72, 73 एंड टच द बेस लाइन, ओके 74, यहाँ पे बेस लाइन में टच होना चाहिए, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80। ओके नाउ ये शीट अब फिर से हो गई। अब दूसरी शीट पे आ जाएंगे, क्योंकि एक शीट पे एक कॉपी का जो एक पेज होता है उसमें इतनी कॉलम्स नहीं होती कि आप 1 to 100 एक ही शीट पेज पे लिख पाए, तो फिर हम पेज चेंज करके ऐसे ही फॉर्मेट में प्रिपेयर कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ना फिर यहाँ टेंस वंस क्रॉस अगेन 100 टेंस वंस। अब यहाँ क्या है कि बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होंगे कि यहाँ टेंस वंस है और यहाँ 100 टेंस और वंस ये क्यों यूज़ हुआ है। तो पहले हम 81 से 90 तक लिख लेते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट फ्रॉम 91 to 100। ओके नाउ 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, then after 8, 9 and then 0, 90. अब क्या है हमारा कि 91 लिखना है। अब 91 टू डिजिट नंबर्स हमेशा किस में लिखते हैं, वंस और टेंस में, तो हम स्टार्ट अभी एच वाली लाइन को छोड़ देंगे, हमें ये बताना अभी आपको इसमें नहीं लिखना है। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस एंड टेंस लाइक 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 97, 98, 99 and then 100. नाउ 100 जो होती है, 100 में कितने डिजिट्स होते हैं? 100 मीन्स थ्री डिजिट नंबर. 100 इज अ थ्री डिजिट नंबर. नाउ दैट्स वाई हियर वी हैव गिवन हियर 100, टेंस एंड वन. तीन प्लेसेस यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, इसी यही वजह है. तो अब हम 100 लिखेंगे तो 100 का 1 आएगा 100 वाले लाइन में, देन 0, देन 0, 100. और ये थ्री डिजिट नंबर है इसलिए अब 91 वाले कॉलम में हम 100, टेंस, 1 तीन कॉलम यहाँ पे हम बनाएंगे. ओके, तो ये ऐसे आपको बच्चों को सिखाना है. जो भी पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे को ऐसे बताएंगे कि आपको कैसे 1 to 100 नीट एंड क्लीन लिखना है. ओके, शुरू में तो बच्चे जब फॉर्मेशन सीख रहे होते हैं तो उस टाइम तो वो नॉर्मल कॉपी पे सीखते हैं, लेकिन जब आप ये मैथ्स की प्रॉपर कॉपी में 1 to 100 बच्चे को लिखाएंगे तो आपको ऐसे बताना है. ओके, अभी मैंने जैसे बताया, आप चाहे तो 10 के बाद 11, 12, 13 ऐसे सिखाएं, और चाहे तो 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13. ये बच्चे पे है कि वो कितना जल्दी कैच करता है. ओके, तो इस वीडियो में अभी मैंने बताया कि कैसे आपको अपने बच्चे को वंस एंड टेंस के कॉन्सेप्ट से कॉपी में नंबर्स 1 to 100 लिखना सिखाना है. So, hope you like this video. Like it, share it and subscribe it. And if you have any query, then ask in my comment section. Thank you. Bye-bye.